वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड्स के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और 10th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे ऐसे जिन्होंने अब तक अपना सिलेबस पूरा बहुत बारी रिवाइज कर लिया है, दे आर वेरी गुड लर्नर। बट कुछ उसी टाइम पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अब तक अपना पूरा सिलेबस एक बार भी नहीं पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ तो बहुत बारी रखा है, बट उनको ना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं होते। अब आप लोगों को ना अपना जो स्टडी रूटीन है उसे चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, हमें काफ़ी टाइम मिल गया है, बट आप लोग ये बात हमेशा भूल जाते हो कि ये जो पेपर पोस्टपोन हुआ है ये हर एक इंसान के लिए हुआ है। हर एक वो स्टूडेंट जो आपके साथ बोर्ड एग्जाम में बैठेगा, आपके साथ कम्पीट करने वाला है, उन सब के लिए जो है ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। सो आज हम लोग ना, अब देखिए आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस स्कूल्स बेसिकली बंद हो चुके हैं, और मैं जो आपको ये स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये चीज़ ना हर एक उस बंदे के लिए एप्लीकेबल है जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो ही आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। इस वीडियो के अप्रॉक्स दो पार्ट होंगे जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या तरीका होता है पढ़ने का, दूसरा कि किस टाइम पे पढ़ना बेस्ट है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को डिटेल में बताऊं कि क्या जो स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं उनका पढ़ना अच्छा होता है या फिर जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं उनका पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोनों ही तरीके में आपको पढ़ना तो है ही। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जिस चीज़ में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो काम करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, वो चीज़ आपका दिमाग हमेशा करने को मना करता है। सो अपने दिमाग पे कंट्रोल रख के हमें ठानना है कि वी हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी। अब सबसे पहले जब आप पढ़ने की सोचते हो तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ चलो ठीक है, पेन कॉपी निकाल के बैठ जाते हैं एंड पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, कमर लगा के बैठ के पढ़ते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है आफ्टर एक दो घंटे बाद जो है वो एकदम से लेट जाते हैं बेड पे, और उसके इवेंचुअली आपको नींद आ ही जाती है। सो आप लोगों को क्या करना है, एक चेयर टेबल का अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। चेयर जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब इतनी भी कंफर्टेबल नहीं कि आपको बैठते ही उस पर नींद आए, बट हाँ कंफर्टेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपका टेबल होगा उसे आपको क्लीन रखना है। द वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको अपना स्टडी प्लेस जो है वो टेबल वो डेस्क जो भी है उसे क्लीन रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम लोग उस पर बुक्स पेन पेंसिल सब कुछ रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। हमें ये नहीं करना है कि ठीक है भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और 10-15 बुक लगा दी टेबल पे, आफ्टर एक दो घंटे बाद ना आपको डीमोटिवेशन होगा, मोटिवेशन तो रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा यार ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, और मैंने दो घंटे में क्या पढ़ा है, सिर्फ 4-5 पेज। आप लोग अपनी कैपेसिटी को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि आप एक दिन में कितना कवर कर सकते हो, उस हिसाब से आपको ना अपना एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, एक पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखें, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, आप लोग पढ़ना कैसे शुरू करोगे। सबसे पहले आप लोग आज दिन बच्चों ने शुरू नहीं किया है या फिर जो आगे शुरू करने वाले हैं, या तो वो अपने 10th 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको स्टार्टिंग में अपना जो पूरा सिलेबस है वो रखना है अपने सामने। उस सिलेबस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो चीज़ देखनी है कि हाउ मच सिलेबस यू हैव टू कवर, कितना पढ़ना है आपको, कितने दिन में पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यू हैव टू रीड अ लेसन, आपको मैं आपको बता रही हूँ एक शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको नोट्स बनाना है, बाकी इसकी डिटेल वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी ऑन माई चैनल। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थोड़ा रीडिंग लेनी है एक चैप्टर की, देन उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। कीप दिस इन माइंड, पेज भरने भर भर के नोट्स बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, या तो माइंड मैप्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, हर एक चीज़ शॉर्ट में लिखो ताकि आप उसे पढ़ सको। 10 कॉपी भर दोगे एग्जाम के पहली रात, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा रिविजन के टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके नोट्स होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने चाहिए, कोशिश करना कि लूज शीट पे जो है आपके नोट्स बनाए जाए,
ब्लू शीट पे ही होगा। अगर मान लो आप आज पढ़ लेते हो और उसके बाद आपको कुछ कल कुछ और एड ऑन करना है, तो कहीं वो पेपर पे कॉपी के साइड में कहीं स्लिप लगा लगा के लिखने से अच्छा है लूज शीट पे बनाओ, ताकि आप उसे अलग से पिनअप कर सको उसके साथ ही। उसके बाद अब एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी नोटिस की हो, और टीचर्स तो बोलते ही हैं कि जो 100% सिलेबस होता है उसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सब कुछ नहीं पढ़ना तो स्पेशली मैं अगर यहाँ पे बात करूँ बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की, या फिर जो बच्चे कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं उनकी, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। बुक इतनी मोटी मोटी होती है, व्हेन यू क्रॉस योर टेंथ क्लास और 11th 12th में इतनी बड़ी बड़ी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, कभी उठा के देखिए आप किताबें, सब कुछ छोड़ना पड़ लोगे, इतना बड़ा छोड़ना पेपर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर या फिर सिलेबस का एनालिसिस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 30-40% पूछा जाता है, 100% सिलेबस का सिर्फ 40% मैक्सिमम बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 40% ही आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, आप उसे पढ़ लो। अब बात आ जाती है पढ़ना है 30-40% सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो 20% सिलेबस ऐसा होता है जो हर साल रिपीट होता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम की बात कर रही हूँ। 20% सिलेबस हर साल रिपीट होगा, वही 20% सिलेबस जो है उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 6 के, 10 के सारे क्वेश्चन जो हैं उसी में आने वाले हैं। मूविंग ऑन, अब आपको जो सिलेबस आप लोग डिसाइड कर लोगे उस हिसाब से ही आपको सिलेबस को पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है आपका, जो कि आपके एग्जाम में 20% कंप्राइज करने कंटेन करने वाला है, कम से कम उसे आपको याद करना है, और एटलीस्ट यू नीड 15-20 रिविजन्स फॉर डैट, क्योंकि आपको पता है ये सिलेबस आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। उसके बाद बच जाता है 10-15% सिलेबस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% के अलावा, 20% के अलावा है, उसको आप एटलीस्ट 10-15 बार ही पढ़ लीजिए, ठीक है। याद रखना 15-20 बार वो सिलेबस पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-20 बार वो पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो लीज मतलब नो मॉडरेट सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच जाता है हमारा 70-60% सिलेबस जिसका कोई काम नहीं होता, लिटरली उस सिलेबस का कोई काम नहीं होता, और फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम और जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं, वो पेजेस, वो सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ जो बुक इतनी सी होनी चाहिए उसकी जो पेज बढ़ा के वो इसे इतना मोटा कर देता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जो बचा हुआ सिलेबस है, जो 60-70% सिलेबस है, उसे 2-4 बार ही पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ताकि अगर इन केस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब दूसरी बात होती है कि आप लोग पता कैसे करोगे, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है कहीं से पता करने की, आपके पास कोई टीचर नहीं है जो आपको नहीं बता सकता, तो एक काम कीजिए प्रीवियस ईयर उठाइए। हर एक एग्जाम जो इस दुनिया में होता है उसका प्रीवियस ईयर अवेलेबल होता है, ठीक है। या तो बुक्स ले आइए या फिर ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको गूगल पे काफ़ी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी जो कि आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करने वाली हैं। उन प्रीवियस ईयर्स को उठाइए, चेक कीजिए कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और किस किस टॉपिक से अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना सिलेबस डिसाइड करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चीज की जो ये आप मैं बोलती हूँ, आप बोला मैंने आपको कि 10-15 बार रिवीजन कर लीजिए। ये 10-15 बार रिवीजन का सीन क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज आज 21 तारीख है और आपने आज एक चीज आपने आज बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा है, तो आने वाले 3 दिन बाद आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, उसके बाद 5 दिन बाद रिवाइज करोगे, देन 7 दिन बाद रिवाइज करोगे, उसके बाद 9 दिन बाद रिवाइज करोगे, देन लास्ट 21 दिन बाद रिवाइज करोगे। दिस इज द राइट पैटर्न। आप इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज कीजिए हर थोड़े टाइम के गैप में। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आज ये चैप्टर पढ़ा कल भी उसे रिवाइज करूंगा परसों भी उसे रिवाइज करूंगा, रोज रिवाइज करोगे। आई नो वो इफेक्टिव होता है बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने कल जो चीज़ पढ़ी थी तो डेफिनेटली आज तक वो याद रहेगी ही। अगर आप टाइम ले लेके चीज़ को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी लंबे रन तक याद रहेगी, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, मैंने खुद पर ट्राई की है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज़ इज़, ये जो सिलेबस मैंने आपको जो स्लॉट बताया है 3 दिन में पढ़ो, फिर 5 दिन में पढ़ो, 7 दिन में पढ़ो, इसके कम से कम आप लोग 3 सेट्स तो लगाएं ही लगाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि ठीक है आप लोगों ने ये तो बता दिया कि ऐसे पढ़ लेते हैं ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइम पर पढ़ना बेस्ट होता है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है समराइज कर देती हूँ मैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। सबसे पहले आपको अपना जो स्टडी टेबल है उसे साफ रखना है, बेड पे बैठ के मत पढ़ना, अवॉइड करना। दूसरी बात,
जो है आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर अपने टेबल पर नहीं बैठनी है। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन सा 30-40% सिलेबस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपको रिविजन्स करने हैं प्रीवियस ईयर्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर का जो आपको नहीं आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू एंजॉय एंड यू फील लाइक दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है फ्रेंड्स। थैंक यू।